प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओ को अ कब पढ़ते हैं। ओ को अ कब पढ़ते हैं देखिए और समझते हैं। यदि किसी शब्द में ओ के बाद एन या आर इनमें से कोई भी हो, वहाँ पर ओ को अ पढ़ा जाएगा। उदाहरण के लिए आपके सामने है, ये कोई शब्द है आपके सामने, इस शब्द में ओ के बाद एन है तो यहाँ पर इस वाले ओ का उच्चारण अ होगा। तब इस शब्द का संपूर्ण उच्चारण होता है लेसन। सौ में अ का उच्चारण स्पष्ट रूप से हो रहा है, अर्थात यहाँ पर इस वाले ओ को अ पढ़ा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार ओ शब्द के अंत में ओ के बाद आर है तो यहाँ पर इस वाले ओ को अ पढ़ा जाएगा। तब इस शब्द का संपूर्ण उच्चारण होगा डॉक्टर, अर्थात टो में ओ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी शब्द के अंत में या शब्द के अंत में ओ के बाद एन है तो यहाँ पर इस वाले ओ का उच्चारण अ होगा। तब इसका संपूर्ण उच्चारण होता है यूनियन, अर्थात इस वाली यो में अ का स्पष्ट रूप से उच्चारण हो रहा है। अब इसकी परिभाषा पर चलते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में ओ के बाद एन या आर हो तो ओ को अ पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई शब्द है और शब्द के अंत में ओ के बाद एन है तो यहाँ पर ओ का उच्चारण अ होगा, जिसका संपूर्ण उच्चारण होता है लेसन, अर्थात सौ में अ है तो यहाँ पर इस वाले ओ को अ पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपको डॉक्टर, यूनियन, लेसन, ये तीनों आपको अच्छी तरह से हमने आपको बता दिए थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।